सो हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोटो G31 ये जो स्मार्टफोन है ये फाइनली इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। वैसे अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो अब तो पता चल ही गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस स्मार्टफोन के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन आपको कैसी देखने को मिलती है, साथ ही जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में किस प्राइस पर लॉन्च किया गया है, और इसके अलावा इस स्मार्टफोन की फर्स्ट सेल आपको कब तक देखने को मिलने वाली है, साथ ही आपको इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपको यहाँ पर एक क्लियर और साथ ही साथ एक बेटर डिसीजन लेना है तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो दोस्तों, यार डिज़ाइन के मामले में यहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। मोटोरोला का टिपिकल डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बैक में आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर डिज़ाइन के साथ में तीन कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलने वाली है। साथ ही आपको यहाँ पर LED फ्लैश और मोटो का लोगो देखने को मिल जाएगा। साथ ही फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको यहाँ पर पंच होल कटआउट डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको पतले पतले बीसल्स तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर चेन थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलने वाली है। तो प्राइसिंग के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिज़ाइन डिसेंट देखने को मिलने वाला है। साथ ही बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है। साथ ही आपको यहाँ पर फ्रंट में ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। और हमेशा की तरह इस बार भी मोटोरोला ने अपनी प्राइवेसी को संभाल के रखा है, यानी दोस्तों फ्रंट में कौन से ग्लास का प्रोटेक्शन है इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही आपको यहाँ पर डिसेंट देखने को मिलने वाली है। दोनों से आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा बात करें यहाँ पर कलर वेरिएंट्स की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर दो कलर वेरिएंट के साथ में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ब्लू और साथ ही ग्रीन कलर के दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब यहाँ पर स्मार्टफोन की ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो शुरू करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के मुखड़े यानी सो स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो इस फोन के अंदर हमें यहाँ पर 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS नहीं दोस्तों, इस बार आपको यहाँ पर AMOLED पैनल देखने को मिलने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है, जहाँ पर आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो और लगभग 400 PPI की डेंसिटी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो कंटेंट वगैरह वॉच करने के लिए काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले होने वाली है। साथ ही पॉसिबली आपको यहाँ पर वाइट वाइन L1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो ऑनलाइन कंटेंट वगैरह स्ट्रीम करने में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक बात है गेमिंग की दोस्तों, तो गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट ही देखने को मिलने वाली है, और साथ ही आपको यहाँ पर 120Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो सबके पास देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब यहाँ पर इस स्मार्टफोन की आंखों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास तो दो ही है लेकिन इनके पास काफ़ी सारी आंखें हैं। स्मार्टफोन के बैक में आपको यहाँ पर तीन कैमरा देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर मेन कैमरा आपको मिल जाएगा 50 MP का, जो कि पॉसिबली आपको यहाँ पर सैमसंग का ही सेंसर देखने को मिलने वाला है। साथ ही 8 MP का अल्ट्रावाइड और 2 MP का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों बात कर ले सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी के लिए आपको यहाँ पर 13 MP का सेंसर देखने को मिलने वाला है। तो कैमरा मॉडल दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। और जहाँ तक बात है कैमरा परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो मोटोरोला की जो परफॉर्मेंस होती है वो आपको यहाँ पर नेचुरल देखने को मिलती है, यानी कैमरा आउटपुट आपको यहाँ पर नेचुरल देखने को मिलने वाला है और डिसेंट देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब यहाँ पर स्मार्टफोन के चिपसेट की यानी स्मार्टफोन के ब्रेन की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर MediaTek Helio G85 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई नया चिपसेट आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, जो कि 12 nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह जरूर से देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिल जाती है। डे टू डे यूजेस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं CPU की, तो 64-bit आर्किटेक्चर के साथ में आपको यहाँ पर 8 कोर देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से 2 कोर मिल जाएंगे 2.0 GHz पर, और यहाँ पर आपको कोर्टेक्स A75 के कोर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके हाई परफॉर्मेंस टास्क को हैंडल करने वाले हैं। साथ ही बाकी के 6 कोर आपको मीडियम परफॉर्मेंस टास्क और पावर एफिशिएंसी के लिए देखने को मिल जाते हैं 1.8 GHz पर, और यहाँ पर आपको कोर्टेक्स A55 के कोर देखने को मिल जाएंगे। तो चिपसेट काफ़ी बढ़िया है, आपको परफॉर्मेंस अच्छी निकाल कर दे देता है, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको आम वाली G52 MC2 का एक 2 कोर वाला GPU देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग भी करा देगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं होगी।
चलिए तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 4GB की रैम देखने को मिलने वाली है, जहां पर आपको LPDDR4X की रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आपको यहां पर 64 और 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, जहां पर सिर्फ 5.1 की स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। सबके पास देखेंगे तो आपको यहां पर रैम और स्टोरेज का जो मॉड्यूल देखने को मिल रहा है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा, यहां पर भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आप यहां पर स्मार्टफोन के पेट की। जी हां दोस्तों, इस स्मार्टफोन को खिलाना भी तो पड़ेगा। तो इस फोन के अंदर आपका यहाँ पर 5000mAh की डिसेंट बैटरी देखने को मिलने वाली है। बैटरी साइज आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक दिन का बैकअप काफी आसानी से मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में 10 वॉट की चार्जिंग के साथ में लॉन्च किया गया था, और ये स्मार्टफोन हमें इंडिया के अंदर 20 वॉट की चार्जिंग के साथ में देखने को मिल जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो बैटरी मॉड्यूल दोस्तों अब आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब यहाँ पर इसके ड्रेसिंग स्टाइल यानी दोस्तों स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर फेस अनलॉक जैसे फीचर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और साथ ही आपको यहाँ पर 3.5mm वाला खड्डा भी देखने को मिलने वाला है, तो ऑडियो पर्सनलाइज करने में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। और दोस्तों जहां तक बात है ऑडियो की यार, तो आपको यहां पर सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाएगा, तो डिसेंट आउटपुट आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है ऑडियो के मामले में, तो ऑडियो भी आपको यहां पर डिसेंट देखने को मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों हमें मोटोरोला के लगभग सभी स्मार्टफोन्स के अंदर यहाँ पर वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन वाला फीचर देखने को मिल जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब आपका स्मार्टफोन हल्के फुल्के पानी में सर्वाइव कर सकता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जहां तक बात है सेंसर्स की, तो लगभग आपको यहां पर सारे ही सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, सेंसर्स में कोई कमी नहीं होने वाली है। और OS की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहां पर Android 11 बेस मोटोरोला का MIUX का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहां पर आपको कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स का पंगा देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको यहां पर बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। आखिर में बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के ओवरऑल डायमेंशन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर 8.55mm की थिकनेस के साथ में देखने को मिलने वाला, यानी तो थोड़ा सा मोटा जरूर है, लेकिन इसका पूरा वेट आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 181g का देखने को मिलने वाला है, जिसका मतलब साफ है कि आपको यहाँ पर एक हाथ से इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। फाइनली अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में दोस्तों। तो ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है, यहाँ पर 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में यहाँ पर 12,999 रुपए की प्राइस पर। वहीं पर दोस्तों इसका 6 और 128 वाला वेरियंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 14,999 रुपए की प्राइस पर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्मार्टफोन यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F22 के टक्कर में उतरने वाला है, तो कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। हालांकि अगर ओवरऑल स्पेसिफिकेशन भी देखी जाए तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F22 के अंदर सिर्फ हमें यहाँ पर थोड़ी सी डिस्प्ले में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि वहाँ पर हमें 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ HD+ की सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलती है, जबकि इस फोन के अंदर हमें यहाँ पर फुल HD+ का पैनल भी देखने को मिलने वाला, सुपर एमोलेड की पैनल भी दी गई है। साथ ही हमें यहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाती है, लेकिन बाकी की जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है। तो मोटो G31 आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F22 स्मार्टफोन लेना चाहते थे तो आप यहाँ पर इस फोन को भी देख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छा फोन है। लेकिन इस स्मार्टफोन का सिर्फ बेस वेरिएंट आपको इस प्राइस के सबसे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, जबकि दोस्तों इसका जो हायर वेरिएंट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ओवर प्राइस स्मार्टफोन के तौर पर ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप यहाँ पर स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट ले सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर आप यहाँ पर एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते थे तो मैं आपको यहाँ पर इतना ही रिकमेंड करूँगा कि आप 500 रुपये और लगा करके Realme Narzo 30 4G स्मार्टफोन के साथ में जाएं। जी हाँ दोस्तों, गेमिंग के लिए काफ़ी तगड़ा फोन है और आपको यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये ही एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। गाइस अगर आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग और साथ ही कॉन्टेंट वगैरह वॉच करने के लिए एक बढ़िया डिस्प्ले चाहिए तो आप यहाँ पर मोटो G31 को देख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैमसंग ही लेना है तो आप यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F22 को भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अच्छी लेवल की गेमिंग करनी है तो आपको यहाँ पर Narzo 30 4G के साथ में ही जाना चाहिए। सो गाइस ये था मेरा क्लियर ओपिनियन। वैसे आप सभी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट्स में जरूर बताएगा। साथ ही दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।